Tintín de todo. अच्छा, ये गजल की बात आप सबको क्यों लगता है कि अभी आजकल नहीं है? इसका कारण है क्योंकि मीडिया में उसके बारे में कहते नहीं है, दिखाते नहीं है, वो अलग बात है। वो मीडिया इज मोर टूवर्ड्स कमर्शियल म्यूजिक, वो जानते हैं, मगर जो सुनते हैं, सुनकार हैं, वो हैं, वो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। बट ऑब्वियस क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि मैंडेटरी होना चाहिए नेशनल एंथम को पब्लिक प्लेस पे, थिएटर्स में और भी पब्लिक प्लेस पे। तो जो कमेंट किया है जावेद अख्तर साहब ने, कमेंट किया है या कमलसन जी ने रिगार्डिंग दैट, ये तो अपना फीलिंग्स होता है कंट्री के लेवल पे, तो क्या आप मानते हैं कि ये ज़रूरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए नेशनल एंथम आपको पब्लिक प्लेस या फिर थिएटर में? हाँ बिल्कुल, हमको एक नेशनल स्पिरिट ज़रूरी है इस वक्त, जरूरी है और होनी चाहिए। वन मोर थिंग, जीएसटी लागू हो चुका है तो म्यूजिक इंडस्ट्री पर कुछ इफेक्ट हुआ है जीएसटी का? तो प्रोग्राम थोड़ा कम हो गया उनका मकसद क्या था? मतलब बहुत बहुत रीजन है, बट वो इंस्पायरिंग था, और खास करके अब्बास जो हैं मेरे गुरु भाई हैं, तो ये मेरे परिवार चाहते थे कि मैं भी गाऊं, तो मैंने कहा बेशक, क्योंकि जो गज़लें अब अब्बास ने कंपोज़ की हैं वो जो पुरानी यादें ताज़ा हो गई उन गज़लों के साथ, जो उसका जो उनकी तर्ज़ें हैं और लिखी हुई भी अशोक साहब ने बहुत अच्छा लिखा भी है, बहुत खूबसूरत तरीके से इनको पेश किया है, तो वो सब जो है संगीतकार को क्या चाहिए, पूरी तरह से अगर खुराक मिल जाए रूह की तो बस फिर मज़ा ही कुछ और होता है इसका लुत्फ। तो मैंने इससे अर्थ किया था कि जब मैंने कंपोज़ किया था तो मैं वो आवाज़ें ढूंढ रहा था जो ख़ास गज़ल की रूह लिए और वो जो भी तीन ही आवाज़ें मिली थी, हरिहरन भाई, जसमीन का मेरे भाई और सिटी भाई, तो वो ख़ास आवाज़ें इस एल्बम के लिए चाहिए और उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो जसविंदर ने गाई है गजल, अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल अलग रंग। प्लीज़ देखिए, गजल का जॉनर अलग है, गजल मुझे तो समझ में नहीं आती कि अगर एक ऑर्डर पास हुआ है और वो एक अच्छी बात है कि अगर हम अपने रोज़ तो हम खड़े होकर नेशनल एंथम नहीं गाते, लेकिन अगर फिल्म देखने जाते हैं तो उस वक्त अगर नेशनल एंथम बजता है तो एक पेट्रियाटिज़म की फील आती है अपने अंदर, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हम लोगों में है, वो एक अलग बात है, अपनी मातृभूमि से प्यार है अलग बात है, लेकिन जैसे ही नेशनल एंथम बजता है उसको जब हम रिस्पेक्ट देते हैं तो एक जज्बा ही अलग आ जाता है अपने अंदर, और मुझे तो लगता है कोई बुराई नहीं है इस चीज़ की। मैम लास्ट क्वेश्चन, GST हो गया है लागू तो टैक्स अब भारी पड़ रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री पे कितना भारी पड़ रहा है ये टैक्स या GST? भैया मुझे तो मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो मैं ज़्यादा बट मूवी भी मेड GST के लिए वो डिफिकल्टी शो कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि